इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लेकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको बताते हुए चलेंगे जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आने लगे अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं तो आपको धीरे धीरे इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना और समझना और अच्छे से आने लगेगा इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू डेड और अलाइव जिंदा या मुर्दा डेड का मतलब होता है मुर्दा अलाइव का मतलब जिंदा और का मतलब या समाइम्स समाइम्स कभी कभी अकबर वॉज वेरी हार्ड टू प्लीज अकबर वॉज वेरी हार्ड टू प्लीज अकबर को खुश करना मुश्किल होता था प्लीज का मतलब है खुश करना हार्ड का मतलब बहुत मुश्किल वॉज था कभी कभी अकबर को खुश करना बहुत मुश्किल होता था There वॉज अ court jester. There वॉज अ court जिस्टर एक दरबार का मस्खरा था कोर्ट का मतलब है दरबार जिस्टर का मतलब मस्खरा नेम्ड मुल्ला दोपियासा नेम्ड मुल्ला दो पियाजा दो प्याजा उसका नाम मुल्ला दो पियाजा था हु वेरी ईगर हु वॉज वेरी ईगर जो बहुत उत्सुक था टू प्लीज अकबर टू प्लीज अकबर अकबर को खुश करने के लिए वन डे वन डे एक दिन ही लेबर्ड ही लेबर्ड उसने मेहनत की वेरी हार्ड वेरी हार्ड बहुत कठिन एक दिन उसने बहुत कठिन मेहनत की फॉर सेवरल आर्स फॉर सेवरल आर्स कई घंटों तक टू मेक अकबर लाफ टू मेक अकबर लाफ अकबर को हंसाने की मेक लाफ का मतलब होता है हसाना हाउ एवर हाउ एवर लेकिन अकबर वॉज गेटिंग बोर्ड अकबर वॉज गेटिंग बोर्ड अकबर को उबाऊ लगता था गेटिंग बोर्ड का मतलब है उब जाना या फिर उबाऊ लगना विथ हिज पुअर एंड विटलेस जोक्स विथ हिज पुअर एंड विटलेस जोक्स उसके लाचार और बुद्धिहीन लतीफों से जो उसका मतलब होता है लतीफे या फिर चुटकुले विटलेस का मतलब बुद्धिहीन आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद द एम्पर लॉस्ट हिज टेम्पर द एम्पर लॉस्ट सम्राट ने खो दिया हिज Temper, अपना आपा यानी अपना नियंत्रण एंड ऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड और आदेश दिया फॉर द अरेस्ट फॉर द अरेस्ट गिरफ्तारी का ऑफ मुला ऑफ मुला मुला के और उसने मुला की गिरफ्तारी का आदेश दिया अकबर सेड अकबर सेड अकबर ने कहा इन अ रोरिंग वॉइस इन अ रोरिंग वॉइस एक गरजती हुई आवाज में ब्रिंग हिज हेड ब्रिंग हिज हेड इसका सिर लाना टू मी टू मी मेरे पास इन द मॉर्निंग इन दॉर्निंग सुबह में मुला वॉज टेरीफाइड मुला वॉज टेरिफाइड मुला घबरा गया मुला डर गया टू डेथ टू डेथ मृत्यु से आफ्टर हियरिंग दिस आफ्टर हियरिंग दिस इसको सुन करके ही बिगैन टू क्राई ही बिगेन टू क्राई वह रोने लगा वेरी लाउडली वेरी लाउडली बहुत जोर जोर से इन फ्रंट ऑफ द कोटियस इन फ्रंट ऑफ द कोटियर्स दरबारियों के सामने इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने द कोटियर्स दरबारियों के बट लेकिन नो वन ऑफर्ड नो वन ऑफर्ड किसी ने नहीं दी एनी सिंपथी एनी सिंपथी कोई भी सहानुभूति फाइनली फाइनली अंत में बीरबल केम बीरबल केम बीरबल आए टू मीट हिम टू मीट हिम उससे मिलने इन द प्रिजन इन द्रिजन जेल में दैट नाइट दैट नाइट उस रात उस रात बीरबल उसे जेल में मिलने आए बीरबल सेड बीरबल बीरबल ने कहा इन अदिंग इन अदिंग वॉइस एक आराम देने वाली आवाज में या फिर सांत्वना देने वाली आवाज में डू नॉट वरी मुल्ला डू नॉट वरी चिंता मत करो मुल्ला मुल्ला चिंता मत करो जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस जस्ट फॉलो सिर्फ मानो माई इंस्ट्रक्शन मेरे निर्देशों को बीरबल विस्फर्ड बीरबल विस्पर्ड बीरबल ने फुसफुसाया इन टू हिज इयर्स इन टू हिज ईयर्स उसके कानों में द प्लान द प्लान एक योजना फॉर हिज स्केप फॉर हिज स्केप उसके बचने की नेक्स्ट मॉर्निंग द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह वेन द गार्ड्स वेन द गार्ड्स जब सुरक्षा कर्मी केम आई टू बीहेड हिम टू बीहेड हिम उसका सिर कलम करने बीहेड का मतलब होता है सर कलम करना he resisted he resisted उसने मना किया या फिर उसने विरोध किया he said he said उसने कहा first take me first take me पहले मुझे ले चलो to the emperor to the emperor सम्राट के पास एंड देन एंड देन और तब बीहेड मी बीहेड मी मेरा सिर कलम करो इन फ्रंट ऑफ हिम इन फ्रंट ऑफ हिम उनके सामने द गार्ड्स टूक हिम द गार्ड्स सुरक्षाकर्मी took him उसे ले गए to the emperor to the emperor सम्राट के पास Akbar was waiting Akbar was waiting Akbar इंतजार कर रहे थे to see to see देखने के लिए the decapitated head the डी कैपिटेटेड हेड धड़ से अलग सिर को ऑफ मुल्ला ऑफ मुल्ला मुल्ला के डिकैपिटेटेड का मतलब होता है धड़ से अलग सिर बट लेकिन व्हेन ही डिस्कवर्ड व्हेन ही डिस्कवर्ड जब उन्हें पता चला मुला वॉज अलाइव मुला वॉज अलाइव मुला जिंदा है एंड स्टैंडिंग एंड स्टैंडिंग और खड़ा है इन फ्रंट ऑफ हिम इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने ही टर्न वेरी एंग्री ही टर्ड वेरी एंग्री वह बहुत गुस्सा हुए ही एड्रेस्ड ही एड्रेस्ड उन्होंने संबोधित किया हिज मेन हिज मेन अपने आदमियों को एंड सेड एंड सेड और कहा डोंट यू ऑल नो डोंट यू ऑल नो no. क्या तुम सब नहीं जानते हो हाउ टू फॉलो अ किंग्स ऑर्डर हाउ टू फॉलो अ किंग्स ऑर्डर कि एक राजा का आदेश कैसे मानते हैं आई एम गोइंग टू पुट आई एम गोइंग टू पुट मैं भेजने जा रहा हूं यू ऑल तुम सभी को इंटू प्रिजन इंटू प्रिजन कारागार में या फिर जेल में मुला प्रोटेस्टेड मुला प्रोटेस्टेड मुला ने विरोध किया एंड सेड एंड सेड और कहा जहां पना जहां पना इट्स नॉट देयर फॉल्ट इट्स नॉट देयर फॉल्ट उनकी गलती नहीं है आई हैव मेड देम डू सो आई हैव मेड देम डू सो मैंने उनसे ऐसा करवाया है बिकॉज क्योंकि यू हैड एक्सप्रेस्ड यू हैड एक्सप्रेस्ड आपने व्यक्त किया था योर डिजायर योर डिजायर अपनी इच्छा टू सी माई हेड टू सी माई हेड मेरा सिर देखने का इन द मॉर्निंग इन द मॉर्निंग सुबह में दीज डेज दीज डेज इन दिनों यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन यू कैन नॉट ट्रस्ट आप विश्वास नहीं कर सकते एनी वन किसी का भी सो इसलिए आई इंसिस्टेड ऑन आई इंसिस्टेड In, मैंने आग्रह किया ऑन इंसिस्टेड ऑन साथ में मैंने जीत की या फिर आग्रह किया ब्रिंगिंग माई हेड ब्रिंगिंग माई हेड अपना सिर लाने का टू यू टू यू आपके पास ऑन माई ऑन ऑन माई ओन खुद से ही अकबर वॉज वेरी इंप्रेस्ड अकबर वॉज वेरी इंप्रेस्ड अकबर बहुत प्रभावित हुए विद द आंसर विथ द आंसर इस जवाब से एंड एट वंस एंड एट वंस और तुरंत ही अंडरस्टूड अंडर स्टूड समझ गए द ब्रेन द ब्रेन दिमाग को बिहाइंड इट बिहाइंड इट इसके पीछे का और वो तुरंत ही समझ गए जो दिमाग इस जवाब के पीछे था ही स्माइल्ड ही स्माइल्ड वह मुस्कुराए एट बीरबल एट बीरबल बीरबल पर एंड रिलीज मुल्ला एंड रिलीज मुल्ला और मुल्ला को छोड़ दिया रिलीज का मतलब है छोड़ दिया मुल्ला मुल्ला को उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को मित्र को परिवार वाले को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में